कैसे हैं सब लोग? किरण, सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और जी, आज ये संडे का व्लॉग है। संडे से स्टार्ट किया था मैंने अपना व्लॉग, और संडे वाले दिन मैंने बहुत सारे काम किए थे और बहुत इन्जॉय भी किया। तो सुबह जो है ना, हस्बैंड ने सूरह रहमान लगा दी थी और हम लोगों को ना बस ये 9 बजे उठा दिया था। तो जब मैं उठी ना, मैंने फटाफट क्लिप लिया और मैंने कहा देखो मैं बताऊं ज़रा कि मतलब संडे वाले दिन भी सोने नहीं देते हस्बैंड। हस्बैंड कहते हैं मेरी ना एक ही छुट्टी होती है, हालांकि दो होती हैं हस्बैंड की छुट्टियां, लेकिन फिर भी ना सोने नहीं देते हैं। मतलब कहते हैं उठ जाओ, घर में बेरौनकी हो रही है और रौनक लगाओ और ये वो, तो फिर उठना पड़ता है। तो फिर आज जो है ना, फिर मैंने कहा आप जल्दी उठाया ना, अब आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप ज़रा करवाओ ज़रा सफाइयाँ और ज़रा घर की सेटिंग सेटिंग कराओ। तो यहाँ पर जी मैंने ना यहाँ पर पहले फ्रिज रखा हुआ था किचन में, तो जैसा कि आप तो ये कि जैसा कि आपको बताया कि जब मैंने न्यू फ्रिज लिया ना, तो फिर यहाँ पे वो फ्रिज जो है वो आया नहीं। तो ये फिर फ्रिज की जो जगह थी ना, वो छोटे के हिसाब से थी, तो हमने पूरे घर में पेंट शेंट करवा लिया था और ये हिस्सा हम लोगों का रह गया था। तो फिर यहाँ पे ना मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पेंट करवाना है, मैंने कहा अगर पेंट करवाया ना, इन्होंने पूरे घर की जो है ना तबाही लगा देनी है, जो कारपेट वगैरह सब बिछे हुए हैं सबका सत्यानाश मारा जाना है। तो फिर मेरे दिमाग में ना बस एक आइडिया जागा, वो कहते हैं ना एक आइडिया, वो वाला आइडिया आया मेरे दिमाग में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना इस पर फिलहाल कोई शीट लगा देती हूँ। और शीट जब मैंने ना ऑनलाइन पता की ना, तो ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी मंगाऊँ, कैसी आएंगी कैसी नहीं आएंगी, क्या साइज़ होगा। फिर मैंने जाके ना नॉर्मल जो लोकल मार्केट होती है ना, वहाँ से मैंने ये प्लास्टिक वाली शीट खरीदी और फिर मैंने इस दीवार पे जो है ना लगाई, तो माशाल्लाह पूरी पूरी शीट आई है। मतलब 19-20 जो है ना वो थोड़ी सी हुई होगी साइड पर, तो बस लेकिन परफेक्ट आई है। पता नहीं लग कैसी रही है ये आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर शीट लगा ली थी। अच्छा, पहले मैंने दीवार को ना अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि उस पर जो है ना यहाँ पे पेंट हुआ ही नहीं था। मतलब स्टार्ट से ही यहाँ पे फ्रिज रखी हुई थी, तो यहाँ पेंट नहीं हुआ हुआ था। तो फिर ये दीवार मुझे बड़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने इसके नीचे वाले हिस्से में ना ओवन रख लिया था। टेबल पे मैंने ओवन रख लिया था, बेकिंग ओवन, ताकि जो है ना मुझे किचन में ही ग्रिल वगैरह करना हो, कुकिंग करनी हो, बेकिंग करनी हो, तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो फिर ये कि फ्रिज मैंने अंदर रूम में शिफ्ट कर लिया था। तो यहाँ मैंने शीट पहले लगा के ना अच्छे से चेक कर ली थी और कि जी क्या साइज़ आ रहा है। फिर हस्बैंड ने कहा कि ना इसकी मजबूती के लिए ना यहाँ पे एक ही मिलती है, क्या कहते हैं गोला पट्टी इसको बोलते हैं, लकड़ी वाले से आप मतलब जो भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं ना उनकी शॉप से, वो मैंने मंगवा ली थी। और फिर हस्बैंड ने बड़े अच्छे से लगा दी थी। अच्छा, हस्बैंड थोड़ी नीचे करके लगा रहे थे, मैंने कहा मुझे नीचे नहीं लगवानी, मुझे ऊपर करके लगाओ। तो कहते हथौड़ी से ठोकना मुश्किल हो जाएगा, क्या कर रही हो। लेकिन मेरी ना पता नहीं क्यों आदत है कि मुझे ना बस परफेक्ट काम चाहिए होता है। मैं कहती हूँ कि ना ये चीज़ यहाँ से हिली है तो क्यों हिली है तो बस मेरी वो वाली आदत है। बस जितना भी था ना अपने बजट के अकॉर्डिंग मैंने उसको डेकोरेट करने की काफ़ी कोशिश की और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। अब ना चुभन नहीं हो रही मेरी आंखों को। अच्छा, ये वाली ग्लू थी लकड़ी वाली, तो ये आप लोग ला के घर में रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना चिपकाने के काम आ जाती है ये, और जो है ना मतलब काफ़ी अच्छी है। इसमें जो बॉटल में होती है ना वो बहुत कम होती है, तो आप इस तरह इसमें पाउच में ले आए काफ़ी टाइम चल जाती है। अच्छा, मैं ओवन के लिए ना ये वाला जो है ना वो शीट लेकर आई थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और बड़ी जो है ना खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर ये भी कर ली थी, जैसा कि इस पर पहले बड़ा सा एक रफ सा कपड़ा मैंने रखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा मैं इसको भी थोड़ा सेट कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और वो साइड पर ग्लू लग गई थी, वो ड्राई हो जाएगी, तो वहाँ से ना थोड़ा सा पेंट हस्बैंड ने उखाड़ दिया। तो अब मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं यहाँ क्या करूँ। तो फिर वो जो होते हैं ना क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज़र जिस तरह होते हैं, वो मैंने वहाँ पर लगा दिया था। और ये ना मेरे पास एक मिरर था, तो मैंने सोचा मैं लगा दूँ ताकि किचन में भी चलती फिरती ना मैं अपने आप को देखती रहूँ। और वैसे ना अगर शीशा बंदा देखता रहे ना, आप लोगों ने बताना आप लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं। अगर आप लोग शीशा देखते रहो ना, आपको अपना हाल वाल पता चलता रहता है कि क्या हाल हो गया चेहरे का अपना। और एक आपके ना घर में एक बड़ा वाला शीशा ज़रूर होना चाहिए, उससे आपको पता चलता है आप कितने मोटे हो गए कितने पतले हो गए। तो बड़ा शीशा ज़रूर होना चाहिए घर में, ये आप लोगों के लिए एक टिप है। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वो घर में एक बड़ा शीशा लगा कर रखें ताकि चलते फिरते अपने आप को देखें तो पता चल जाए भाई फैट कहाँ कहाँ और कितना आ गया है, ताकि उसको कम करने के लिए ना मोटिवेशन मिले। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने फ्रिज पे लगाने के लिए ये लिया था होम, तो अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि अभी ना मुझे फ्रिज की सेटिंग समझ में नहीं आई थी कि मैंने यहीं फिक्स करना है या कहीं और। अभी फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया। और यहाँ पे जी मैंने एक बड़ा ही प्यारा सा ये था वो फ्लावर, तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे, तो फिर मैंने ना ये भी यहाँ पर रख लिया, तो बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग भी अगर चाहें ना तो अपने बजट के अकॉर्डिंग छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दोपहर हो गई और हस्बैंड को लग रही थी भूख,
और ना गोभी बनाई हुई थी मैंने, कोई ना 3 दिन की गोभी थी 3 दिन हो गए थे गोभी को। और ना बच्चे कह रहे थे अब हमने गोभी नहीं खानी, आलू गोभी मैंने बनाई थी, वैसे तो माशाल्लाह खा लेते हैं, लेकिन मेरे हमने नहीं खानी। मैं जो कम, मैंने कहा मैं तो थक गई हूँ काम करके, हालांकि काम मैंने इतना कोई नहीं किया था, लेकिन मैं थक गई थी। मैंने सोचा कि ना अब इनको ना उल्लू बनाती हूँ बच्चों को। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं तुम लोग को ना चीज़ वाले पराठे बना के देती हूँ। तो बच्चे बड़ा खुश हो गए। मैंने गोभी में से सारे आलू निकाले और थोड़ी सी गोभी ली, उसको अच्छे तरीके से मैश किया और उसमें थोड़ा सा मसाला डाला, और बस जी मैंने उसके ऊपर चीज़ डाल के ना पराठा बना दिया। इतना मज़ेदार पराठा बना। उसके बाद अगले दिन भी बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें चीज़ वाला पराठा बना दो, जो गोभी चीज़ का पराठा बनाया था ना आपने वो बना दो। तो बस ये कि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट रंग दे के अगर आप चीज़ बना रहे हो तो बच्चे बड़ा खुश हो जाता है। हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। ग्रीन रायता बनाया मैंने साथ। अच्छा, मैंने इसमें जो मसाला डाला है ना वो मसाला मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। वो मैंने बनाया है इसी टाइप की चीज़ों के लिए, मतलब पिज्ज़े के लिए और पास्ता में डालने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में आप डाल सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आगे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने इसमें चीज़ डाल दिया था। चीज़ की डिटेल से वीडियो मैंने शेयर की भी कि आप लोग किस तरह से ना श्रेडेड चीज़ ले कर रख सकते हैं ताकि आपका पूरा मंथ जो है वो मंथ क्या 2 मंथ भी चल सकता है अगर आप तरीके से चलाएं तो। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बेलन यूज़ किया था ना, मैं $1 से लाई थी, बिल्कुल भी नहीं अच्छा निकला ना, मतलब वो चल ही नहीं रहा था आगे को। मेरे पास जो दूसरा है ना बेलन, तो वो आगे आगे खुद ब खुद घूमता है और ये घूम ही नहीं रहा था। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूँ, आप लोग अपने पैसे ना ज़ाया कर देना। तो शायद मुझे यूज़ करना नहीं आता या मैं यूज़ करने की आदी नहीं हूँ शायद ये। अच्छा, कोई सा भी पराठा बनाए ना आप लोग पहले उसके जो है ना तेल लगा लिया करें, ऑयल लगा लिया करें उस पर, घी वगैरह, ताकि जो पराठा वो शिलिंग ना हो ना, सिकुड़ जाता है वरना, फिर उसी साइज़ में रहता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली पराठे बना लिए थे, पराठे बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताने कि आप लोगों को मेरे व्लॉग में क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या बुरी लगती है। बुरी भी लगती है ना तो बता देना यार, कोई बात नहीं। मैंने जैसा कि बताया कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं बोलूँगी नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी। बस वो गूंगे बहरे बन के बस मैं म्यूज़िक चला दूँ तो वो मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं एक्सप्लेन तो करूँ ना यार मैं क्या कर रही हूँ, तो इसीलिए फिर मैं बोल देती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या अच्छी लगती है, बस ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने पराठे बना लिए थे और पराठे हमारे रेडी हो गए थे। अच्छा, रात को ना फिर क्या हुआ, मेरा दिल किया कि ना अब कुछ अच्छा खाया जाए। और संडे था, संडे को आपको पता है एक कीड़ा काटता है ना बाहर निकलने का। तो बस मैं घर में रह रहा कि ना बोर हो गई थी, तो मैंने कहा हस्बैंड को कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर हम लोग बाहर गए रात में, तो फिर हम लोगों ने क्या खाया वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखें जी, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान एजाज अंसारी तो मुझे ना उनका ये वाला स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, मेरे अल्लाह की शान और नेमतें बरकतें सब आपको पता होगा, सारे जानते हैं यार उनको। तो यहाँ पे ना फिर जो है यहाँ पे मेरा पराठा रेडी हो गया था माशाल्लाह से, और बहुत ही मज़े का पराठा बना था। कितनी दफ़ा बताऊँगी, वाकई बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से ना आप देसी खाने को जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त टच दे के बच्चों को ना रजवा सकते हैं, पेट भर सकते हैं उनका। शाम में जी फिर हम लोग निकल गए थे जी निहारी खाने के लिए। और शायद ना ये क्लिप मुझसे रिपीट हो गया, पर मैंने कहा मैं वॉइस कर रही हूँ, मैं चलती जाऊँ तो बेहतर है, मेरा ब्लॉग ख़राब हो जाएगा। बहुत मज़े का पराठा था फिर वही बात। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं आगे भी आपके साथ ना बड़ी हेल्पफुल वीडियो शेयर करूँगी रमज़ान से रिलेटेड, मज़े की, और रमज़ान की प्रिपरेशंस भी शेयर करूँगी। वीकली मैंने फूड प्रिपरेशन आपके साथ शेयर किया, आप लोग वो भी वॉच कीजिएगा। ये जी थी मोहम्मदी निहारी थी, तो यहाँ पे वो हमने वो खाई और खूब मैंने नींबू डाल के खाया और बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे और मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोग अपनी बहन को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।